हेलो एंड वेलकम टू आई जी अकेडमी स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग जियोग्राफी। और जियोग्राफी में अगर आपको याद होगा तो हमने जियोग्राफी सीरीज स्टार्ट किया था वर्ल्ड मैप से, जहां पर मैंने 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पढ़ाए, फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, ओशंस। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्ट किया था इंडियन जियोग्राफी, और इंडियन जियोग्राफी का जो सबसे पहला टॉपिक था दैट वॉज द पोलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज। उसके बाद फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकली अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कि फिजिकली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 डिविजन्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हिमालयाज एंड मूविंग अप द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, वी डिस्कस देम इन ग्रेट डिटेल। उसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक था या पार्ट था, दैट वॉज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में मैंने उस पार्ट को डिवाइड किया 2 सब पार्ट्स में। 1 हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देन पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे मैंने ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावरी को डिस्कस किया। उसके बाद रिसेंटली वी स्टार्टेड इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, और इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और जो बाकी स्टेट्स में, शायद हमने राजस्थान तक किया था। उसके बाद जो बाकी स्टेट्स में जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उसको हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 एंड बिगनिंग विथ गुजरात, है ना। तो फिर से हम अपनी नज़र जो है मैप पे ही डालना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये है इंडिया का मैप। आप भी रफली पहले मैप ड्रा कीजिए, स्टेट्स को मार्क कीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली जिस जिस स्टेट में आपको लेक्स मिलेंगे उनको आप मार्क कीजिए। सो आज का टॉपिक स्टार्ट होगा गुजरात से। तो गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। लेक नंबर 1 हमीरसर लेक। हमीरसर लेक जो है वो आपको गुजरात में ही मिलेगा। नंबर 2 लेक जो है उसे हम कहते हैं नल सरोवर। क्या कहते हैं? नल सरोवर। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और लेक भी हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं उकाई लेक। क्या कहते हैं? उकाई लेक। अब जो उकाई लेक है ये एक मैन मेड लेक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन तापी रिवर एंड यू नो तापी फ्लोज थ्रू गुजरात आल्सो। इसके बाद जो हमीरसर नल सरोवर है ये गुजरात के कुछ और लेक्स यहाँ पे हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमीरसर, नल सरोवर एंड उकाई, ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं गुजरात के। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हम जाएंगे उत्तर प्रदेश, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक लेक मिलता है जो एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लेक है, और आर्टिफिशियल के साथ साथ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जिसे हम कहते हैं जीबी पंतसागर, गोविंद बल्लभ पंतसागर लेक, है ना। अब गोविंद बल्लभ पंतसागर लेक को अगर आप देखेंगे तो इसी को हम रिहान डैम भी कहते हैं। और रिहान डैम जो है ये सबसे बड़ा डैम है, अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, बाई वॉल्यूम ये सबसे लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। 1, 2 ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। ये एक ग्रेविटी डैम है जो आपको पिपरी में दिखेगा, लोकेटेड इन सोनाभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो इसका रिजर्वायर एरिया है, दिस इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन एमपी एंड यूपी। दिस इज यूपी, दिस इज एमपी, यहाँ पे इसका रिजर्वायर एरिया है, इसके बॉर्डर पे, है ना। और यू नो रिहान इज, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, है ना। तो जो सोन रिवर है इसी की ट्रिब्यूटरी है रिहान, और रिहान पे ही लोकेटेड है कौन? रिहान डैम और गोविंद बल्लभ पंत सागर भी जिसे कहते हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश का एक और इम्पॉर्टेंट लेक है जिसे हम कहते हैं फुलहर लेक। सो फुलहर लेक इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गोमती रिवर, है ना। तो गोमती रिवर के कोस्ट पे देखिएगा आपको फुलहर लेक। सो टू कंक्लूड, उत्तर प्रदेश खाली 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 1 रिहान डैम और दूसरा जो है फुलहर लेक, है ना, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसके बाद हम जाएंगे सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया जो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एक लेक आपको दिखेगा जिसे हम कहते हैं अपर लेक। अपर लेक जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल के वेस्ट साइड पे है, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो अपर लेक है इसको आज भोजताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजताल। दिस भोजताल इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 40% ऑफ द रेजिडेंट्स को ये सप्लाई करता है
सर्व करता है ड्रिंकिंग वाटर, कौन? बूज ताल, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये है बड़ा तालाब, बड़ा तालाब के नज़दीक ही नियर बाई आपको छोटा तालाब मिलेगा, एंड बड़ा तालाब टुगेदर विथ छोटा तालाब दे कॉन्स्टिट्यूट द बोज वेटलैंड, एंड बोज वेटलैंड जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इट इज़ नाउ ए रामसार साइट। वट इज़ ए रामसार साइट, इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा वो रामसार कन्वेंशन एंड रामसार साइट्स ऑफ इंडिया पे ही होगा, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर एक और आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं तावा रिजर्वायर। रिजर्वायर जो है कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कोई कुछ चीज़ स्टोर हो, है ना। तो तावा रिजर्वायर जो है ये आपको तावा रिवर पे ही दिखेगा, एंड तावा रिवर इज लोकेटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, एंड होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। यहाँ पे आपको तावा रिजर्वायर दिखेगा। सो मध्य प्रदेश टू पॉइंट्स, बोजताल एंड तावा रिजर्वायर, है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्स में वो है द स्टेट ऑफ ओडिशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, नोट करो इसको, क्योंकि ये थ्री स्टार वाला पॉइंट है। अब ओडिशा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला लेक जो यहाँ पे आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं छिलका लेक। छिलका लेक जो ओडिशा में है ये सबसे बड़ा सैलाइन वाटर लेक है इंडिया का, है ना। इससे पहले भी आपने एक सैलाइन वाटर लेक इंडिया में देखा जिसे हम कहते हैं सांबर लेक। बट सांबर लेक और छिलका लेक में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, सांबर लेक इज लोकेटेड इन राजस्थान, छिलका लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा। टू, छिलका लेक इज द लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया, बट सांबर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड, इनलैंड की बात कर रहा हूँ, एज ए होल इट इज छिलका लेक, बट लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर लेक ऑफ राजस्थान, है ना। और सांबर लेक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यू टू एवियन बोटालिज्म, है ना, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर तुम देखेंगे तो छिलका लेक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया एंड ऑल्सो लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, है ना। तो लगून कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, है ना, जो कोस्ट पे होता है, डैट इज सेपरेटेड बाई अ बैरियर, है ना। यहाँ पे जो पानी इकट्ठे होता है एक लगून बनाता है, और सबसे बड़ा कोस्टल लगून जो इंडिया के अंदर है डैट इज छिलका लेक। एंड छिलका लेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सर्व्स एज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड, ये ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है, फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो छिलका लेक है इट सर्व्स एज द नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रिडली टर्टल्स, है ना। तो एक बहुत ही बड़ी नेस्टिंग साइट है किन के लिए? ओलाइव रिडली टर्टल्स, है ना। तो ये एनवायरमेंट का या इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओलाइव रिडली टर्टल्स जो है इनकी सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट जो है वो कहाँ पे है? डैट इज छिलका लेक एंड द स्टेट इज ओडिशा, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप ओडिशा में देखेंगे तो विक्टोरिया सागर, अंशुपा लेक, कांजिया लेक, यहाँ पे बाकी लेक्स भी हैं, है ना। तो टू कंक्लूड, छिलका लेक, विक्टोरिया सागर, अंशुपा लेक एंड कांजिया लेक, दे आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ ओडिशा, एंड अमंग द फोर छिलका लेक इज द इम्पॉर्टेंट। वाई? Because it is the largest saline water lake, it is the largest coastal lagoon, it is the largest brackish water lagoon in India. Point to be noted, very very important. Then moving to Sikkim. अब सिक्किम क्यों important है? तो सिक्किम पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर एक lake आपको मिलता है जिसे हम कहते हैं चोलामू lake. चोलामू lake जो है इसे हम सोलहामू lake भी कहते हैं। अब जो चोलामू लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, सबसे हाईएस्ट लेक जो इंडिया का है डैट इज चोलामू, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिक्किम में कुछ और लेक्स भी आपको मिलते हैं जैसे गुरुदोंगमर, है ना, सोंगमू, समिति, ये कुछ और लेक्स भी हैं डैट आर लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दीज लेक्स एज वेल, है ना। उसके बाद सला लेक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, है ना। इसके बाद आसाम, आसाम में है चंदूबी लेक, है ना। और इसके बाद मेघालय, मेघालय में है उमियम लेक, है ना, जो आपको शिलोंग मेघालय में दिखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है मणिपुर। वाई? क्योंकि मणिपुर में आपको एक लेक मिलेगा
जिसे हम कहते हैं लोकटेक लेक, है ना। अब लोकटेक लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे असम, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, है ना, त्रिपुरा, तो उनमें से जो लेक्स वहाँ पे पाए जाते हैं, उन सभी में से जो बड़ा लेक है वो लोकटेक लेक है। दैट इज लोकेटेड इन मणिपुर। 1, 2, लोकटेक लेक इज फेमस फॉर फुमड़ीज, है ना। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे दिखेंगे लैंड मासेस जिन्हें हम फुमड़ीज कहते हैं, दस मेकिंग इट द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और यहाँ पे क्या है कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिलेगी, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उसे हम कहते हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। मैं कहता हूँ कि 5 स्टार आप इस पे लगा दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड ऑन रिवर, दैट इज सिचुएटेड ऑन लोकटेक लेक, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज द लास्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ द एंडेंजर्ड संगाई डियर। संगाई डियर इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। और जो यहाँ पे इसका स्टेटस है, दैट इज एंडेंजर्ड। नाउ ये जो संगाई डियर हैं, ये एक यहाँ पे ये जो लोकटेक लेक है यहीं पे आपको मिलता है, है ना। एंड इज द लास्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ दिस संगाई डियर विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। उसके बाद यहाँ पे हैं तेलंगाना। अब तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में एक लेक आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं हुसैन सागर लेक। और हुसैन सागर लेक को अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के बीच में, इन दो सिटीज़, ये हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं इन दो स्टेट्स के बीच में, वो प्रोवाइड कराता है हुसैन सागर लेक, है ना। और 1992 में एक मोनोलिथिक स्टैट्यू बुद्धा का इरेक्ट किया गया जिब्राल्टर रॉक एट द सेंटर ऑफ दिस लेक। तो जो हुसैन सागर लेक हैं, एक लार्ज, बहुत ही बड़ा मोनोलिथिक, मीन जो एक ही रॉक का बना हो, स्टैट्यू किसका? बुद्धा का। इरेक्ट किया गया एक रॉक वे जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर रॉक, है ना, एट द सेंटर ऑफ दिस लेक इन 1992 दिस वॉज डन, है ना। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि किस लेक के सेंटर में 1992 में जो मोनोलिथिक स्टैचू था बुद्धा का, वो इरेक्ट किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए हुसैन सागर लेक, एंड दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना विच वॉज कार्वड आउट फ्रॉम मध्य प्रदेश इन द ईयर 2014, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो इम्पोर्टेंट एंड फेमस लेक है उसे हम कहते हैं लोनार लेक। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था लेक्स की, तो मैंने आपको बोला कि इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे कैटेगरीज के लेक्स मिलते हैं, जैसे नेचुरल लेक्स हो गए, जैसे सलाइन लेक्स हो गए, जैसे आर्टिफिशियल लेक्स हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, तो ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा है। और लास्ट में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको करवाया था क्रेटर लेक, है ना। तो एक्चुअली सोलर सिस्टम में होता है सन, 8 प्लैनेट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेटियोराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेटियोराइट हैं, इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स अर्थ, एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अर्थ इट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेटर। और इस क्रेटर में बाद में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे लेक बनता है जिसे हम क्रेटर लेक बोलते हैं। और क्रेटर लेक की जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है लोनार लेक, है ना। और लोनार लेक इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्रेटर लेक है, है ना, तो मेटियोराइट के इम्पैक्ट से बना है। और दूसरा यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कौन सा लेक जो है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, है ना। ये लेक सलाइन है, सोडा लेक, दैट इज़ लोकेटेड एट लोनार इन बुधाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट दिस पॉइंट। इसके बाद हम जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लेक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हैं बहुत सारी इनमें से रामसार साइट्स भी आपको मिलेंगे, है ना, इसलिए ये लेक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लेक जो है वह है पुलिकट लेक, है ना। अब पुलिकट लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून छिलका लेक और ऐसा, है ना, और सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून पुलिकट लेक, दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, है ना। तो अगर आप देखेंगे
दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तमिलनाडु, इसके नीचे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही दिखेगा आपको कौन, पुलिकट लेक, है ना, बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि एक आइलैंड आपको यहाँ पे दिखेगा श्री हरिकोटा, जहाँ पे आपको एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी मिलेगा जिसे हम कहते हैं सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर एक आइलैंड पे है, श्री हरिकोटा आइलैंड पे, और श्री हरिकोटा आइलैंड जो है वो आपको इसी में पुलिकट लेक के नज़दीक ही दिखेगा, है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश का एक और लेक इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं कोलीरू लेक, है ना। तो कोलीरू लेक जो है, जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा हैं, इन दो डेल्टास के बीच में आता है कौन, कोलीरू लेक, आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आल्सो सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु जो है, यहाँ पे एक लेक आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं चिम्बरमबक्कम लेक, है ना। तो एक ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है चिम्बरमबक्कम लेक के बारे में, वो ये है कि अदियार रिवर जो है, अदियार रिवर इस लेक से ऑरिजिनेट होता है, बस इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एक और लेक भी है तमिलनाडु के अंदर जिसे हम कहते हैं वीरनम लेक। सो वीरनम लेक एंड चिम्बरमबक्कम लेक, दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्टेट ऑफ केरला, और केरला के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले ही आपको एक लेक दिख जाएगा जिसे हम कहते हैं वेम्बनाड लेक। नाउ व्हाई वेम्बनाड लेक इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर बैक वाटर्स डेट आर लोकली नोन एज कयाल, है ना। तो कयाल बैक वाटर्स के लिए फेमस है, और ये बैक वाटर्स के लिए फेमस है इसलिए यहाँ पे एक बोट रेस भी कंडक्ट की जाती है हर साल जिसे हम कहते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। अब जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत सारे जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे पूछता है कि लॉन्गेस्ट लेक जो है ये किस स्टेट में आपको मिलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, नीचे चार लेक्स देगा आपको टिक करना होगा वेम्बनाड लेक को। ऐसे भी पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर कयाल बैक वाटर्स, है ना, नीचे चार लेक्स देगा। ऐसे भी पूछता है कि इन विच लेक इज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्टेड एवरी ईयर, है ना, तो नीचे फिर से चार ऑप्शंस देगा। तो जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो किसी भी पैटर्न, कोई भी पैटर्न आप फेस कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। तो कभी कभी जो है, कभी कभी ऊपर एक्सप्लेनेशन देता है और नीचे आपको निकालना होता है लेक। जैसे ऐसे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून इन इंडिया एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रटली टर्टल्स, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज मेंशनड अबव, नीचे चार ऑप्शंस देगा। तो किसी भी पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्राइक हो सकता है एंड यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स, है ना। वेम्बनाड लेक के बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे मिलेगा जिसे हम कहते हैं अष्टामुड़ी लेक। अष्टामुड़ी लेक जो है कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में आपको दिखेगा, एंड कलाड़ा रिवर जो है इस लेक में डिस्चार्ज होता है, कौन, कलाड़ा रिवर यहाँ पे इस लेक में डिस्चार्ज होता है, है ना। इसके बाद एक और लेक यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं पेरियार लेक, है ना, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है शशमकोटा लेक। वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ लेक्स, कौन, शशमकोटा लेक इज कॉल्ड क्वीन ऑफ लेक्स, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, हाँ ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेकिन केरला में, एंड एज ए होल इन इंडिया इट इज़ वुरल लेक लोकेटेड इन द बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, है ना। और अगर आप देखोगे कि इस लेक को डेजिग्नेट किया गया एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सिंस नवंबर 2002, है ना, इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस लेक को डेजिग्नेट किया गया एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सिंस नवंबर 2002, दिस इज शशमकोटा लेक, ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ लेक्स, ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक विलायनी वैली, ये भी कुछ लेक्स आपको केरला में दिखेंगे।
तो केरला के इम्पोर्टेंट लेक्स एक बार आप देखेंगे तो वेम्बनाड लेक, अष्टमुड़ी लेक हैं, पेरियार लेक हैं, सस्तमकोटा लेक हैं, है ना, और विलायनी वेली लेक्स है। नथिंग मोर नथिंग लेस। एंड फाइनली लेट अस सम अप विद सम पॉइंट्स, विद सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सम इम्पोर्टेंट फेक फैक्ट्स अबाउट लेक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल JKSSB एंड JKPSC एग्जामिनेशंस। बिगनिंग विथ वुलर लेक, इट इज़ द वन, इट इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। टू, छिलका लेक इन उड़ीसा, इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। थ्री, वेम्बनाड लेक इन केरला, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, फेमस फॉर कयाल बैक वाटर्स एंड ऑल्सो नेहरो बोट ट्रॉफी रेस इज कंडक्टेड हियर एवरी ईयर। चुलामू लेक सिक्किम में है, हाइएस्ट लेक है इंडिया का। लोनार लेक एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। सलाइन सोडा लेक है डैट इज लोकेटेड एट लोनार इन बुधानो डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। एंड फाइनली सांबर लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक ऑफ इंडिया, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी के साथ जो हमारा लेक्स का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अपने मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए जम्मू कश्मीर यूटी से, उसके बाद आप नीचे जाए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और क्विक एक रिविजन मैं आपको देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर लेक जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, ये मिलेगा। डल लेक है ना, क्राउन इन द जेवल ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जेवल जिसे कहते हैं। मानसर लेक, ये लेक्स यहाँ पे फेमस हैं। और लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो पेंगोंग सो, सोमुरुरी, पेंगोंग सो लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना क्लैशेस, है ना। द फाइटिंग बिटवीन चाइनीज ट्रूप्स एंड इंडियन ट्रूप्स टुक प्लेस हियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोमुरुरी लेक जो फिर से लद्दाख में है, ये दो लेक्स लद्दाख में आपको मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश, चंद्राताल, नाकू लेक, रेन्यूका, है ना, और सूरज ताल लेक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। उत्तराखंड, सतल, भीमतल, है ना, रूपकुंड लेक जिसे हम मिस्ट्री लेक भी कहते हैं इंडिया का, और नायनी लेक भी यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद राजस्थान, यहाँ पे पुष्कर, सांबर, नाकी और मोर इम्पोर्टेंट दीबर लेक, है ना, और पचपादर लेक आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में हमने देखा रिहान डैम और फुलहर लेक। इसके बाद हम गए गुजरात, हमीरसर, नल सरोवर, है ना, उकाई। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा लोनार लेक, लोनार लेक इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे एक और लेक है पोवाई लेक, ये भी महाराष्ट्र में, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, भोज ताल, है ना, भोज वेटलैंड विच इज़ द रमसार साइट आल्सो एंड तावर रिजर्वायर, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में सोमू एंड यहाँ पे चोलामू लेक जो कि हाइएस्ट लेक हैं यहाँ पे इंडिया का, वो भी आपको सिक्किम में ही मिलेगा। सला लेक अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर का इम्पोर्टेंट लेक है लोकटैक लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नून फॉर फुमड़ीज, और इसके साथ साथ दुनिया की जो वाहिद फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लमजाव नेशनल पार्क, वो भी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। एंड ऑल्सो द लास्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ द एंडेंजर्ड संघाई डियर स्पीशीज एंड संघाई डियर विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, है ना, इसके लिए फेमस है। उसके बाद छिलका लेक, सबसे पहला नाम उड़ीसा का छिलका लेक ही है। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून, एंड इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अंशुपा, विक्टोरिया सागर, है ना, कांजिया लेक, ये सभी लेक जो है उड़ीसा में ही आपको दिखेंगे, है ना। इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में है हुसैन सागर लेक, और हुसैन सागर लेक के ही मिडल पे आपको बुद्धा स्टैट्यूट मिलेगा जो इरेक्ट किया गया था 1992 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उस्मान सागर जो है ये भी आपको तेलंगाना में ही दिखेगा। आंध्र प्रदेश, कोलीरू एंड नंबर टू पुलिकट डैट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, है ना। एंड उसके बाद तमिलनाडु, वीरनम एंड चिम्बरम बकम लेक जो यहाँ पे मिलेंगे आपको तमिलनाडु में, है ना। और यहाँ पे जो फाइनली केरला, केरला के अंदर वेम्बनाड लेक विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक एंड ऑल्सो नून फॉर बैक वाटर्स लोकली कॉल्ड कयाल, है ना। और यहाँ पे अष्टमुड़ी, और फाइनली हमने देखा किसको, सस्तमकोटा लेक को विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ लेक्स ऑफ इंडिया, है ना।
With this, we completed our topic, Important Lakes of India. We studied lakes from north, south, from west to east, and some lakes were studied in great detail. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम रामसार साइट्स, रामसार कन्वेंशन को पढ़ेंगे. अगर आपको हमारी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी लेक्चर्स को लाइक करें, हमारे जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें. और अगर आपने अभी भी आज अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करने जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, and God bless you all.